Look at it. It's like proper London house, good lighting. This is the bedroom. I really loved the apartment. नमस्ते सस्रियाकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और घर दर्शन में आप सबका स्वागत है। नहीं, सच्ची बोल रही हूँ मैं। अभी बस हम निकलने वाले हैं। दिस इज आवर सर्विस अपार्टमेंट इन लंदन और ये हमारे पास अब बस कुछ ही दिनों के लिए बचा है, तो हमें फटाफट से अपना घर ढूंढना है। सो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट घर दर्शन व्लॉग। आज ना हम लोग 3 से 4 घर देख रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पे और आई एम होपिंग कुछ तो आज पक्का पसंद आ जाएगा। एंड आप भी वोट करना कि आपको कौन सा वाला पसंद आएगा, ठीक है। आई एम होपिंग ये जो आज का दिन आप मेरे साथ बिताओ तो आपको अच्छा लगेगा। लेट्स रोल। ओके, सो वी आर आउट एंड पहली चीज जब हम बाहर आए प्रशांत लाइक याद आई है, हाँ आज बहुत ठंडा है। एंड अभी हम लोग बस स्टेशन के पास जा रहे हैं और पहला घर जो हम देखने जा रहे हैं वो 1 BHK है, गार्डन के पास है। इट्स प्राइस अराउंड 2200 pounds और मतलब फोटोज मैंने देखी है, घर अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर पे है और बस जगह भी अच्छी है। सो लेट्स सी, हमें पसंद आता है नहीं आता। अभी हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और आजकल हम विक्टोरिया नहीं जा रहे, राइट प्रशांत? हमने अपना स्टेशन बदल लिया है। नहीं, ये वाला पास पड़ता है तो अगर हमें कहीं मतलब अगर हमें ऐसे सेंट्रल टेक्स में जाना होगा तो डिपेंड करता है कौन सी ट्रेन पकड़नी है। ये वाली ट्रेन पकड़ने के लिए ये स्टेशन पास में, अगर विक्टोरिया लाइन पकड़नी है तो विक्टोरिया जाएंगे। और रुझान क्या कह रहे हैं कि हमें क्या पसंद आएगा आज घर? रुझान पता नहीं यार, 2-3 है, 1-2 बेडरूम भी है तो फिर हो सकता है वो पसंद आ जाए। मुझे भी ये लग रहा है, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, बताते रहेंगे आपको। अभी स्टेशन में है, लेट्स चेक इन। ऑलमोस्ट रास्ते में है एंड पता है मुझे लग रहा है आज ना हमारा लंदन भ्रमण बहुत अच्छे से होने वाला है। अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो अर्ल्स कोर्ट है और अभी ग्लौकेस्टर जा रहे हैं और उसके बाद हम अर्ल्स कोर्ट जाएंगे। तो मतलब अच्छा वो वाला ग्राउंड फ्लोर वाला अभी देख रहे हैं, सेकेंड फ्लोर वाला हम इसके बाद देखेंगे और फिर शाम को हमको मार्लेबॉन जाना है। और एक घर हमने कल देखा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप बताना वो पब्लिको वाला था तो आप वो भी देखना। तो 4 घर होंगे, आप वोट करना 1, 2, 3, 4। वी आर आउट एंड दिस इज द एरिया एंड यहाँ पे आगे घर है। आई रियली लाइक द लोकेलिटी, इट्स ब्यूटिफुल। एंड बस अभी हम आगे जाएंगे, यहाँ पे सामने गार्डन भी है। सो होप्स आर हाई, स्टेक्स आर हाई, टाइम कम है तो शायद आ जाएगा पसंद। Let's see. So this is the house number 1 that we came in today. Couch है, दूसरा couch है, amazing view है and look at these windows, जबरदस्त। और ये प्यारा सा doggy भी है जो free नहीं आएगा। ये tenant का है, ये tenant का है, ये tenant का है, ये tenant का है। We'll get this, this and this and maybe this. So बहुत बड़ा room है, मतलब it's huge. And I really like the view. यहाँ पे ना एकदम बिल्कुल पार्क है। सो ये that's great. And also this is very nice. ये dining है, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। I'm okay with the kitchen. Not very happy. छोटू बोटू है तो ये kitchen है, एक तो ये बंद है, open नहीं है और फ्रिज ये है। So it's a very small fridge. इतना ही फ्रिज मिलेगा और डिश वॉशर नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है। सो दिस इज द किचन, अ लिटिल क्लटर्ड और थोड़ा सा अंदर है। सो इट्स लाइक इन अ रूम, आई एम नॉट श्योर वेंटिलेशन का क्या सीन है, ये है बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स गो एंड सी अदर रूम। सो दिस इज द बेडरूम, बेड, एक वॉशरूम इज हियर, इट्स गुड बिग। By the way, this is me and the view is okay, not that great. सामने किसी और का घर है but ऊपर से ना sunlight आती है and the windows are big, like they are huge. ये कबर्ड है, ये सब यहाँ रहेगा। So this looks like this, nice. ये extra cupboards है और एक और यहाँ पे powder room है, so दो bathroom है। So we are out and I really like the apartment till we enter the kitchen. यार मतलब I think वो जो रिसेप्शन है, तो ड्राइंग रूम को यहाँ पर रिसेप्शन बोलते हैं, दैट इज रियली नाइस।
That's amazing. I like the big windows. हाँ. High ceilings है. उससे मजा ही आ रहा है. वो मस्त बड़ा लग रहा है. वो बड़ा है और बड़ा लग रहा है. हाँ तो वो बहुत अच्छा है. एंड किचन थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक है. मैंने बोला है कि फ्रिज कर देना क्योंकि हम लोग को थोड़ा बड़ा फ्रिज तो चाहिए. इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल फ्रिज. और फ्रीजर कितना सा इतना सा है. मतलब उसमें चार आइसक्रीम आएंगे आई गेस. जैसे वो पुराने जमाने में होता था फ्रिज के अंदर वो फ्रीजर इतना सा का तो काम नहीं होगा उसमें. तो देखते हैं अगर हमें नया फ्रिज मिलेगा तो. और क्या था इस घर में. और कारपेट थोड़ा सा ना लिटिल कहीं कहीं से फटा हुआ है. ठीक है अपना घर थोड़ी है. हाँ आपको क्या करना. बेडरूम का स्पेस बहुत अच्छा है. क्लोजेट स्पेस बहुत अच्छा है. प्राइस वैल्यू मुझे तो सही लगी. इट्स गुड प्राइस. लाइक हाँ मुझे प्राइस सही लगा. मुझे रिलेटिवली जितने हम लोगों ने और इधर उधर इंक्वायरीज की हैं उसके हिसाब से काफ़ी सही है. तो अभी क्या सीन है. अभी हम आपको घर नंबर 2 दिखा रहे हैं और वो पास में ही है. तो पहले आप वो देखो और फिर लेट्स कनेक्ट. आई एम होपिंग कि आपको वो भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा जो भी है बताना. सो दिस वाज हाउस नंबर 1. हाउस नंबर 2 आप देखो और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं. सो अभी हम इस एरिया में आ गए हैं. इस एरिया का नाम है चेल्सी और यहाँ पे हमें घर देखना है. और इट इज प्राइस अराउंड प्रशांत व्हाट 2400 1 BHK. या और यहाँ का काउंसिल टैक्स थोड़ा ज्यादा है. सो लेट्स सी हमें पसंद आता है या नहीं. योर इज द अपार्टमेंट. ये वाली एंट्रेंस है. एंट्रेंस है हम घुसे और ये वॉशरूम है और ये ड्राॅइंग रूम है. एंड दिस इज द सोफा. ये जाएगा. ये जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है अभी. और टीवी ये भी टेनेंट का है. आई थिंक दिस स्टेज. सो दिस इज द ड्राॅइंग रूम. ओके दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम. नाइस नाइस नाइस. दिस इज द किचन. एन ओपन प्लान. फ्रिज स्टेज राइट. फ्रिज स्टेज. माइक्रोवेव वी आर नॉट श्योर. ओके एंड दिस इज द बेडरूम. छोटो मोटो बेड. तो ये साउथ फेसिंग है तो धूप बहुत अच्छी आएगी. ये भी यहीं रहेगा. ये भी यहीं रहेगा. सो दिस इज द बेडरूम. लुक्स नाइस. ग्रैंड अच्छा है. आई लाइक द व्यू. काफ़ी अच्छा है. एंड द स्पेसिंग इज ऑल्सो नाइस. सो लेट्स सी इस घर का क्या होता है. बैक और वो घर प्रशांत को बहुत अच्छा लगा और मुझे ओके लगा. घर अच्छा लगा क्योंकि वो काफी ऐसा उसमें सब है. जैसे हमको ओपन किचन चाहिए थी. करेक्ट मॉडल है लेकिन बट प्रॉब्लम ये क्यों महंगा है. इट्स प्राइस एट 2450. ठीक है. और उसके हिसाब से मुझे लगा थोड़ा एक्सपेंसिव है. पैसे के हिसाब से थोड़ा तो उसमें अच्छी चीज़ क्या थी प्रशांत. उसकी किचन मॉडर्न थी और ओपन कॉन्सेप्ट था और बेडरूम भी इतना ज़्यादा छोटा नहीं था. इट वॉज गुड साइज. और यार और आई थिंक जितनी चीज़ें हमें चाहिए ना हम दोनों को उस हिसाब से दैट वाज परफेक्ट. नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल. बट नॉट श्योर इज इट वर्थ द मनी. इट्स मैटर ऑफ क्वेश्चन. मतलब पता नहीं मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा. अ लिटिल मे बी. हाँ तो अब क्या करते हैं ना. मैंने एक घर कल देखा था. दैट इज हाउस नंबर 3. आप वो जाके देख के आओ और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. दिस इज द हाउस. ये इसका बेडरूम है. इस पे आई थिंक वील नीड द बेड. वी आर नॉट श्योर. आई थिंक हमारा जो US वाला था वो भी बिना बेड के था. बट द स्पेसिंग इज रियली नाइस. इट्स वेरी वेरी बिग. और दो साइड टेबल्स. थोड़ा सा ना चीज़ें पुरानी हैं. लुक एट इट. जैसे ये थोड़ा पुराना है बट अच्छा है. साइज ऑफ द बेडरूम इज बिग. रियली नाइस. और दिस इज द व्यू. तो मतलब नीचे एकदम वो जो मेन रोड टाइप्स है वो है. सो दिस इज द 1 bedroom. This is the entrance and this is the drawing room. So dining, sofa. Very big in size but really looks old. Like these. ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराने लग रहे हैं. मतलब बहुत पुराने और बहुत ही ऐसे ancient time के लग रहे हैं. और size बहुत अच्छा. Like this is like really big. Let me put it like that. So look at it. It's like proper London house, good lighting, mirror, hi. But थोड़ा सा ना पुराना है. मतलब सब कुछ चीज़ें पुरानी पुरानी हैं बट अच्छा है जो भी है. थोड़ा पुराना बट अच्छा. This is the washroom. Looks really fancy. Bathroom, tub and bomb. This is me again. Looks entirely very fancy. Very nice. This is the kitchen.
थोड़ी पुरानी है, जैसे ये माइक्रोवेव बहुत पुराना पुराना है, दिस इज अवन थोड़ा पुराना पुराना है, डिश वॉशर है थैंकफुली, एंड दिस इज द व्यू, लुक्स नाइस. हाउ आर यू लाइकिंग इट? अच्छा है ना, आई थिंक द स्पेस इज, हाँ बहुत बड़ा सा घर है, लाइक बड़ा है. दिस इज अनदर बेडरूम, दो बेडरूम है, सो स्टडी है एंड अगेन व्यू. तो लंदन में इतने बड़े घर मिलते नहीं है, सो पुराना है बट अच्छा है. ओके सो वी आर आउट एंड आई रियली लव द अपार्टमेंट. मतलब क्या था प्रशांत, वाज वेरी नाइस, वेरी ओल्ड. प्रशांत इज लाइक मेरे को थोड़ा पुराना लगा. एम आई ओवर रिएक्टिंग? हाँ मेरे को लग रहा है कि तू कुछ कुछ तुझे कुछ ज्यादा पसंद आ गया. या मेरे को लग रहा है कौन सी, इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, अच्छा लगा. इट वाज अ गुड अपार्टमेंट, हां स्पेशियस था, व्हिच इज लाइक यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, मतलब हमें इससे आधे साइज के घर मिलेंगे. हाँ यहाँ तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया, तो मुझे सब अच्छा लगने लग गया. मुझे पता नहीं, इट वाज वेरी स्पेशियस. और बाथरूम तो मेरे को लग रहा है किसी दूसरे घर का दिखा दिया था हमें, मतलब पूरा घर ऐसा था और बाथरूम ऐसा था. आई विल टेल यू व्हाई. एक तो स्पेशियस है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा है कि बड़ा घर है, ठीक है, प्रोज में. दूसरा लोकेशन अच्छा है, तीसरा मेट्रो स्टेशन या ट्यूब स्टेशन के पास है, चौथा इट्स अ बेट फ्रेंडली अपार्टमेंट, सो यू नेवर नो. और बुराई 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 करते हैं, आओ बहन चुगली करें. बुराई यार मेरे को लग रहा है किचन के अप्लायंसेस पे थोड़ा बहुत, हाँ थोड़े पुराने हैं, तो मतलब यू आर नॉट श्योर वेदर दे गोना वर्क और नॉट. नंबर वन, नंबर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो बहुत ही खराब ली थी, तो क्या हाथ से धोएंगे क्या कपड़े टब में? वो तो बैट बैट मारेंगे, वो तो हो नहीं पाएगा ना. नहीं हाँ तो और बुरी चीज भी क्या था, सोफा बहुत पुराना था, मतलब मुझे लगा इतना ज्यादा पुराना है कि उस पे वो, ये जो बिल्डिंग है बाय द वे वो 100 साल पुरानी थी, और ये जो लैंडलॉर्ड है वो 20 साल पहले लंदन से जा चुके हैं. सो दिस इज लाइक अ रियली ओल्ड अपार्टमेंट. तो यहाँ पे कोई और आके रहता था, अभी उनका ग्रैंड सन रह चुका है लास्ट. और दिस वॉज अराउंड 2500 pounds, तो थोड़ा तो ऑन एक्सपेंसिव साइड है, हमारी लिमिट से थोड़ा ज्यादा है. हम लोग इससे थोड़ा सस्ता सोच देख रहे हैं, अगेन हम वन बेडरूम देख रहे हैं, टू बेडरूम और बहुत बड़ा है, तो लेट्स सी. और काउंसिल टैक्स भी होता है $100-150, तो वो भी एक्स्ट्रा होता है. सो प्लस बहुत सारी चीजें और है, फिर नॉट श्योर कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हमें और भी देखना है. अगर हमें और अच्छा लगा कोई जो से छोटा भी हो बट थोड़ा सा वेल मेंटेन्ड हो, सो मे बी वील टेक इट. बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट प्रशांत घर है, है घर मिल जाएगा. जो अभी हम घर देखने जा रहे हैं उसके रुझान क्या कह रहे हैं? कोई रुझान नहीं है यार, मतलब बालकनी है उसमें यार, रुझान है उसमें, हाँ अच्छी है, हाँ बट लेट्स सी. लोकेशन भी है एक तो लाइक वो लोकेशन, हाँ बाकी देखते हैं यार. वो याद है हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस गए थे इस क्रिसमस पे, वहां से वो घर मतलब 15 मिनट है दूर, तो इट्स नॉट लाइक वेरी फार, इट्स एट एन अमेजिंग लोकेशन. बस घर छोटा ना हो, इट्स 1 BHK, बाकी आई गेस पसंद आ जाएगा. आज इन चारों में से कोई तो पसंद आ जाएगा, आप बताना 1, 2, 3, 4 नीचे बताओ. और अभी हम विक्टोरिया स्टेशन से जा रहे हैं आज, सो सी यू सून. आउट और अभी हम लोकेशन देख रहे हैं कि हमें किधर जाना है. और प्रशांत काफी नॉस्टैल्जिया हो रहा है प्रशांत का. अरे एक्चुअली मैं ना यही रहता था, मतलब 5 साल पहले मैं आया था, हाँ. तो मैं इसी स्टेशन के पास रहता था, और ये सामने से मैं साइकिल से ऑफिस जाता था, समर्स थी उस समय, हाँ. ये सामने से साइकिल लेता था और यहीं से ऑफिस जाता था. गुड ओल्ड टाइम्स, गुड ओल्ड टाइम्स. सभी मेरे को ये एरिया तो पसंद है, क्योंकि ऐसे याद आता रहता ना, देखा हुआ है ना, देखा हुआ है. हम एरिया के पास आ चुके हैं और घर कुछ ऐसे हैं यहाँ पे. और ये वाले ना काफी US टाइप है, मतलब फुल ग्लास फिनिश ना, ऐसे मतलब फुल अच्छा सा लग रहा है. शॉप्स वगैरह भी हैं आसपास, मतलब पूरा ऐसा चहल पहल है इस पूरे एरिया में. और ये एकदम घर के नीचे ही है जो ये घर मिल रहा है उसके. लेट्स सी कि हमें घर पसंद आता है या फिर नहीं. दिस इज द लास्ट हाउस. और ये किचन है काफी बड़ी, काफी अमरीकी स्टाइल. दिस इज द फ्रिज, दिस इज द फ्रीजर, और ये डिश वॉशर है, और यहाँ पे इसका वॉशिंग मशीन है. द साइज लुक्स ओके, इट लुक्स ग्रेट रादर आई विल से. और ये डाइनिंग है, सोफा, टीवी. इसमें डाइनिंग यू टेकिंग राइट? या सो डाइनिंग वोंट बी हियर, टीवी वोंट बी हियर, मे बी द टीवी स्टैंड, एंड सो दिस इज इट. ये सारा घर है.
और काफी ना जैसे यूएस स्टाइल घर लग रहा है। फुल ऊपर से नीचे तक विंडोज है और यहाँ से इट्स अ बालकनी, यू कैन सी आउट ऑल्सो, एंड आई थिंक दिस इज स्टेइंग एंड दिस इज द फ्लैट। और ये पीछे वाली बालकनी है, सो वन बेड वन ड्राइंग रूम इज योर, लुक्स फैंटास्टिक। क्रिसमस ट्री ऑफकोर्स चला जाएगा, ये सब नहीं रहेगा, सो थोड़ा सा खाली रहेगा। एंड दिस इज द बालकनी एंड प्रिटी स्पेशियस, काफी बड़ी है, यू कैन स्टॉक अप थिंग्स हियर क्योंकि जगह कभी भी कम नहीं पड़ती है। दिस इज द बेडरूम, लुक्स नाइस, ये सब चला जाएगा। आई एम नॉट श्योर बेड रहेगा नहीं रहेगा, बट दिस इज द बेड एक्चुअली। और ये इसका वार्डरोब है, सम एक्स्ट्रा स्टोरेज हियर, सो दिस इज नंबर 4। आई एम नॉट श्योर आपको कैसा लग रहा है, मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, आई रियली लाइक दैट। एंड यहाँ से ही खुलता भी है, यहाँ से खुल जाएगा हाफ वे, सो यू कैन एक्चुअली सी आउट। इट्स ब्यूटिफुल फ्लैट, काफी सही लग रहा है। एंड वॉशरूम इज योर, सो दिस इज द ड्रॉइंग रूम, वेलकम बैक, देखते हैं क्या होगा। वी आर बैक और अभी हम स्टेशन पे आ गए हैं, और जैसे मैं उस घर के पीछे पुराने वाले नंबर 3 के पीछे थी ना, वेरी नाइस रोशन, दिस इज इट। ये एरिया मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा वैसा सही लगा, जैसे हम लोग जैसे जिस तरह के जैसे यूएस में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा से अमेरिका की याद आ गई, तो मेरे को तो अच्छा लगा ये वाला एरिया। रियली आई ऑल्सो लाइक द हाउस, बट अब बात ये है कि या वो हमें बेड देगी या नहीं देगी, ठीक है, हमें डाइनिंग तो वो नहीं दे रही है, सो मतलब जैसा घर दिख रहा था वैसा घर नहीं होगा, ठीक है, ऊपर नीचे भी चीजें होती है। अब बड़ा क्रूशियल टाइम आ गया, आप सब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, तो आपको वोट करना है। वोट का नंबर है 1, 2, 3, 4, घर ढूंढवा दो ना प्लीज यार, तो कमेंट करना। और मेरा वोट है 3, प्रशांत का वोट है आई एम नॉट श्योर 2nd या 4th, प्रशांत का वोट है 4th, फोर्थ और थर्ड में आई एम कंफ्यूज्ड, या सो आप बताना कि कौन सा वाला अच्छा है। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपको एरियाज प्राइजेस जगह दिखा रही हूँ, अपनी लाइफ का इतना जो क्रूशियल टाइम है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम सब चीजें साथ में ही कर रहे हैं। तो कमेंट करना, बताना आपको कौन सा पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम होपिंग हमें जल्दी से कुछ पसंद आए और फटाफट से बुकिंग हो जाए, लेकिन आपके कमेंट्स का वेट मैं करूंगी। थैंक यू, बाय।